देखिए, ये तानाशाही के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है। 17 महीने उनको जेल के पीछे रखा क्योंकि ईमानदारी से डर लगता है भाजपा को। अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उनकी नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकती भाजपा। जैसे जब ईडी कोर्ट ने बेल दे दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने का क्या मतलब है? हमारे नेताओं को पहले जेल में डाला जाता है, फिर केस बना जाता है, फिर ट्रायल शुरू होता है। ये क्या है? ये तानाशाही है, क्योंकि आप अपनी किसी भी ऑपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। पर हम आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करने आई थी और हम जनता के मुद्दों पर लगातार काम करते रहेंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की हम पर कीचड़ डालने की, भाजपा ने बहुत कोशिश की हमें कुचलने की, पर आप देख ही सकती हैं कि इनके सारे षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। आगे आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी आगे आने वाले समय में? अब मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ गए हैं, संजय सिंह बाहर हैं, क्या स्ट्रैटेजी? ये आने वाले समय में आपसे शेयर करेंगे, बट इतना मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि हम जनता के मुद्दों पर काम करने वाली पार्टी है और वही जारी रहेगा, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, ये ट्रांसपोर्टेशन हो, ये हमारे प्राइमरी मुद्दे हैं और हम इन पर ही काम करेंगे। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।